अक्कड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, मैं भारत सरकार के उपासना स्थल कानून 1991 के मनमाने और असंवैधानिक प्रावधानों की ओर आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 की थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। माननीय, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। महोदय, इस कानून में प्राविधान है कि श्री राम जन्मभूमि मुकदमे के अतिरिक्त अदालतों में लंबित ऐसे सभी मुकदमे समाप्त माने जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। यह कानून एक मनमाना और तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, सिख, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है। माननीय, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे, वे पूजा स्थलों की महत्ता को नहीं समझ सके और उन्होंने राजनीतिक फ़ायदों के लिए अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदगी होने की प्रवृत्ति स्थापित की। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने अतीत को भूलकर एवं मिटाकर और अपनी जड़ों को काटकर प्रगति नहीं कर सकता। महोदय, इस कानून का स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर ज्ञानवापी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया, उसे विगत सरकार द्वारा कानून रूप से सही ठहरा दिया गया है। मान्यवर, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए दो कानून नहीं हो सकते। दूसरे, कोई सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूँ। धन्यवाद।